कालू बहुत ही अमीर था, लेकिन कालू में एक ही बुराई थी। वो अपने अमीर होने की बड़ाइयाँ हर वक्त मारता रहता था। कालू को अपनी अमीरी पर बहुत नाज था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश रह रहा था। अमीर होने की वजह से वो कभी कभार गरीब पक्षियों की मदद कर दिया करता, इसलिए अक्सर पक्षी कालू से मदद मांगने आते। कालू सेठ, मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे इतना दाना दे दो कि मैं भी खा लूँ और मेरे घर में भी सब भूखे हैं, वो भी खा लें। कालू बंटी की मदद करना तो चाहता था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अरे ये बंटी तो यहीं पर दाना मांग रहा है, अब मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ इसकी मदद करूंगा तो सब पक्षियों को कैसे पता चलेगा कि उनके जंगल में जो कालू रहता है वो कितना रहमदिल है, वो सबकी मदद करता है। तभी कालू के दिमाग में एक तरकीब आती है। बंटी, मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दाना देने के साथ साथ घर भी दूंगा, और तुम्हें जब भी दाना चाहिए हो मेरे पास आ जाना। चलो अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर दिलवाता हूँ। कालू अपनी बढ़ाइयाँ मारने के लिए सभी पक्षियों को जमा करता है और उन सब से कहता है, देखो पक्षियों, तुम लोग समझते हो कि मैं अमीर हूँ तो मैं किसी की मदद नहीं करता हूँगा, लेकिन अब देख लो, मैं इस बंटी की मदद कर रहा हूँ। ये बंटी तो एकदम गरीब था, बिल्कुल फटीचर सा था, ये मैंने इसको घर दिया है और ये सारा दाना भी मैं ही इसको दे रहा हूँ। देखो देखो, पहले इस गरीब बंटी की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन अब इसके पास घर है तो इसकी इज्जत भी होगी, और वो सिर्फ मेरी वजह से होगी। कालू की बातें बंटी को कांटे की तरह चुभ रही थीं, लेकिन बेचारा बंटी गुर्बत के मारे कुछ ना बोल सका। फिर सभी पक्षी वापस अपने अपने घरों में चले गए। ऐसे ही रोज़ाना कालू कुछ ना कुछ करके अपनी बढ़ाइयाँ मारता रहता। काफ़ी दिनों से कालू को अपनी बढ़ाइयाँ मारने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए कालू को अधूरा अधूरा लग रहा था। मुझे अधूरा अधूरा लग रहा है, कोई मुझे पूछने भी नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं आजकल अपनी बढ़ाई भी नहीं मार रहा हूँ, इसलिए तो सब मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कोई मौका भी तो नहीं मिल रहा कि मैं अपनी बढ़ाइयाँ मार के अपनी इज्जत। पास में ही एक दरख्त था, उस पर टूनी चुड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। टूनी चुड़िया का बच्चा अभी बहुत छोटा था, वो तो उड़ भी नहीं सकता था। टूनी चुड़िया को अपने बच्चे की बहुत ही चिंता थी, क्योंकि उसके दरख्त के नीचे एक धारदार झाड़ियाँ लगी हुई थीं। टूनी चुड़िया को हर वक्त वहीं पर बैठना पड़ता था, अगर वो वहाँ से कहीं जाती तो उसका बच्चा भी झाड़ियों में गिर जाता। इस डर से टूनी चुड़िया बहुत ही कम निकलती थी। एक दिन टूनी चुड़िया अपने बच्चे को घोंसले में रखकर बाहर दाना जमा करने लगी। थोड़ी देर के बाद बच्चे ने हरकत करी तो वो दरख्त से नीचे गिर गया और उन झाड़ियों में फंस गया, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ था, बस वो झाड़ियों में फंस चुका था। फिर जब टूनी चुड़िया वापस आई तो उसने अपने बच्चे को झाड़ियों में फंसा हुआ देखा। फिर ये देखकर वो बहुत ही परेशान हो गई और वो जोर जोर से चीखने लगी, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं क्या करूं, मेरा बच्चा तो छोटा है, इसलिए झाड़ियों में गिरकर बच गया। अगर मैं इसे बचाने के लिए झाड़ियों में जाऊंगी तो शायद मेरे तो हाथ पैर ही कट जाएं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसे दूर से ही निकाल लूं, मुझे झाड़ियों के पास जाना भी ना पड़े। फिर टूनी चुड़िया काफ़ी देर सोचती है,
लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूझता। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा, ये क्या कर रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ। कालू के पास जाती हूँ, वो बहुत ही समझदार है, उसके पास ज़रूर कोई ना कोई तरीका होगा। फिर टूनी चुड़िया कालू के पास जाती है। जल्दी चलो कालू, मेरी मदद करो, मेरा बच्चे को बचा लो। मैं क्या करूं, मैंने बहुत सोचा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन तुम तो बहुत ही समझदार हो, तुम अपनी अक्ल लगाओ और मेरे बच्चे को बचा लो। अब तो कालू को बहुत दिनों बाद अपनी बड़ाइयां मारने का मौका मिल गया था। कालू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। चलो चलो टूनी चुड़िया, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ। मैं सभी पक्षियों को जमा कर लेता हूँ, क्या पता उनकी भी ज़रूरत पड़ जाए। फिर कालू सभी पक्षियों को जमा कर लेता है और अपनी बढ़ाइयाँ मारने लगता है। देखो देखो पक्षियों, मैं कितना रहम दिल हूँ, टूनी चुड़िया का बच्चा झाड़ियों में फंस गया है, लेकिन टूनी चुड़िया उसे निकाल नहीं पा रही है। अब देखो मैं अपनी अकल का कैसे इस्तेमाल करता हूँ और इस बच्चे को बचा कर ले आता हूँ। वैसे भी आप सब तो जानते ही हैं, मैं कालू बहुत ही शातिर हूँ। अभी मैं जाता हूँ और इस बच्चे को झाड़ियों से निकाल कर ले आता हूँ। अगर तुम इस झाड़ियों में जाओगे तो तुम भी फंस जाओगे, तुम्हारे हाथ पैर कट जाएंगे इन झाड़ियों से फौरन ही। नहीं मिठू, तुम मुझे जाने दो, अब देखो मेरा कमाल, मैं कैसे बच्चे को बचाता हूँ। फिर कालू उस बच्चे को बचाने जाता है, लेकिन उस कालू उस बच्चे को तो बचा लेता है पर उसको अपने पर झाड़ियों में फंस जाते हैं। आह आह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई तो मुझे बचाए मेरे। अरे कालू, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम मत जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। अब तो हम लोग तुम्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि अगर हम तुम्हें बचाएंगे तो हम भी फंस जाएंगे। कालू ज़बरदस्ती उन झाड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उन धारदार झाड़ियों की वजह से कालू के दोनों पर कट जाते हैं। कालू के पर कटते ही कालू झाड़ियों से आज़ाद हो गया, लेकिन कालू अब तो उड़ने के काबिल भी ना रहा। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद कालू का ज़ख्म भर गया और कालू एक झील के किनारे रहने लगा। कालू ना तो उड़ पाता था और ना ही दाना जमा कर पाता था, इसलिए जो कुछ दाना वहाँ उसे पास में ही मिलता कालू उसे ही खा लेता और बस झील के पानी पर ही गुजारा कर रहा था। कालू को अपने झील के पानी की बहुत फिक्र थी कि अगर वो ख़त्म हो गया तो फिर कालू क्या करेगा, इसलिए कालू किसी और पक्षी को उस झील के करीब भटकने नहीं देता था। जब भी कोई पक्षी वहाँ पर आता तो कालू उसे वहाँ से भगा देता। वहीं पास में ही रानी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया रहते थे। रानी चिड़िया और टुनटुनी बहुत ही अच्छे थे। टुनटुनी, जहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ पर तो इस झील के अलावा कोई और पानी नहीं है, लेकिन इस झील से तो कालू भैया किसी को भी पानी पीने नहीं देते हैं। रानी चिड़िया, पर हम क्या करें, अब तो बहुत ही प्यास लग रही है। रानी चिड़िया बहुत ही चालाक थी, इसलिए उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। टिनटिनी, हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा दाना कालू भैया के पास लेकर चलते हैं, उस दाने के बदले में वो हमें पानी दे देंगे। हाँ हाँ रानी चिड़िया, ये तरीका बहुत ही अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर रानी चिड़िया और टुनटुनी दोनों कालू के पास दाना लेकर चले जाते हैं। कालू ने काफ़ी दिनों से दाना नहीं खाया था, बस वो पानी पर ही गुजारा कर रहा था, इसलिए कालू
दाना देखकर झट से खा लेता है। रानी चिड़िया, टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे दाना दिया। मैं तो उड़ भी नहीं सकता हूँ, इसलिए दाना नहीं जमा कर पाता हूँ। हाँ कालू, पर मुझे थोड़ा पानी पीना है, हमें पानी पीने दो। हाँ रानी चिड़िया, टुनटुनी चिड़िया, तुम मुझे दाना खिलाया है, तुम लोग पानी पी लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर रानी चिड़िया और टुनटुनी खूब पानी पी लेते हैं। ऐसे ही रोज रानी चिड़िया और टुनटुनी कालू को थोड़ा सा दाना देते हैं और बदले में पानी पी लेते हैं। अब रानी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया और कालू के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो लोग एक दूसरे को दाना भी दिया करते और पानी भी पिया करते, बहुत मिलजुल कर रहने लगे थे। मगर रानी चिड़िया को बहुत ही बुरा लगता था कि जंगल के सारे पक्षी पानी नहीं पी पाते हैं। इसलिए रानी चिड़िया कालू से कहती है, कालू, हमें सब पक्षियों को पानी पीने देना चाहिए, ये गलत बात है। इस झील पर सभी पक्षी अगर हम इन्हें पानी पीने नहीं देंगे तो इनका क्या होगा? यहाँ आसपास में कहीं और पर पानी नहीं है, कालू रानी चिड़िया की बात समझ जाता है। तो ठीक है रानी चिड़िया, मैं सब पक्षियों को पानी पीने दूंगा। अब तो सभी पक्षी इस झील से पानी पिया करते थे। फिर कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। पानी पीते पीते इस झील का सारा पानी सूख गया। अब तो रानी चिड़िया, टुनटुनी और कालू को बहुत ही फिक्र होने लगी कि झील का पानी तो सूख गया है, अब हम लोग क्या करेंगे। और रानी चिड़िया इसलिए मना करता था मैं कि कोई और पक्षी झील से पानी ना पिए, लेकिन अब ये सब पक्षी भी झील का पानी पीने लग गए थे। अब देखो इस झील में बिल्कुल भी पानी नहीं है, मैं तो उड़ भी नहीं सकता कि कहीं और से पानी ढूंढ कर पी लूं, इसलिए तो मैं इस पानी को बचा कर रखा हुआ था। कालू, पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें और पक्षियों की कोई गलती नहीं है, पानी पर उनका भी तो हिस्सा था। लेकिन रानी चिड़िया, अब हम क्या करेंगे, हम तो पानी भी नहीं पी पाएंगे। नहीं नहीं, क्यों ना हम लोग कोई नई जगह ढूंढ लेंगे, जहाँ पर पानी हो वहीं रहने चलेंगे हम तीनों। ये कहकर रानी चिड़िया और टुनटुनी कोई पानी वाली जगह तलाश करने लगते हैं, जहाँ पर बहुत सारा पानी हो। और फिर काफ़ी देर से दोनों इधर उधर भटक रही होती हैं, पर उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी। फिर बहुत ही मेहनत के बाद उन दोनों को एक झील दिखाई देती है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं और फिर वो लोग वापस कालू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, हमें एक अच्छी जगह मिल गई है, वहाँ बहुत सारा पानी है, हम वहाँ पर चलते हैं और हम वहीं पर ही रहेंगे। हाँ हाँ रानी चिड़िया, पर तुम लोग तो उड़कर चले जाओगे, मैं कैसे जाऊँगा, मैं तो उड़ भी नहीं सकता हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग एक काम करो, यहाँ से चले जाओ, मैं अब यहीं रहूँगा। रानी चिड़िया और टुनटुनी को कालू पर बहुत तरस आता है, इसलिए वो लोग उसे छोड़कर नहीं जाते। हम लोग कुछ ऐसा सोचते हैं कि तुम्हें भी अपने साथ ले जा सकें, हम तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर तीनों मिलकर कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं। काफ़ी देर से वो लोग सोच रहे थे, लेकिन कालू के दिमाग में एक तरकीब आई। अरे रानी चिड़िया, टुनटुनी, एक काम करो, तुम लोग एक लकड़ी के तख्ते को अपने पैरों से पकड़ लो, तुम लोग जब उड़ते हुए जाओगे तो मैं उस लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़ लूँगा, फिर मैं भी तुम्हारे साथ वहीं चला जाऊँगा।
तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसमें बहुत ही खतरा है। तुम अपनी चोंच से उस लकड़ी को पकड़ लोगे, लेकिन तुम्हें बढ़ाइयाँ मारने का बहुत ही शौक है। तुम कहीं अगर कुछ बोल पड़े तो तुम नीचे गिर जाओगे। लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ, मैं हर वक्त अपनी बढ़ाइयाँ मारता रहूँ। ऐसे खतरे वाले मौके पर मैं कभी नहीं बोलूँगा, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। फिर वो तीनों वैसा ही करते हैं और आगे उड़ते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन उड़ते उड़ते रास्ते में उन्हें एक तोता मिलता है। टुनटुनी, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, तुम लोग बहुत ही बुद्धिमान हो। ये कालू के पर नहीं है तो ये उड़ नहीं सकता, लेकिन तुम लोग अपने दिमाग की वजह से कालू को भी उड़ा कर ले जा रहे हो। तोते की ये बात सुनकर कालू मन ही मन सोचता है, ये तरकीब तो मेरी है, लेकिन ये तोता तो टुनटुनी को अच्छा कह रहा है। टुनटुनी ने तो ये तरकीब बता ही नहीं, फिर भी ये तोता उसे ही अच्छा बोल रहा है। मैं अभी इस तोते को बताता हूँ कि ये तरकीब मेरी है। फिर कालू जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से वो लकड़ी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब तो नीचे गिरने के बाद कालू का एक पैर भी टूट गया था। पहले ही दो पैर तो कालू के थे ही नहीं, अब एक पैर भी चला गया था। तभी कालू समझ गया कि उसे बढ़ाइयाँ नहीं मारनी चाहिए थी। एक बार बढ़ाइयाँ मारने की सज़ा उसे मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आया। मैं क्या करूं, मुझे कितना दर्द हो रहा है, मेरी बढ़ाइयाँ मारने की वजह से तो आज मेरे पर मेरे पास नहीं और अब तो मेरा पैर भी चला गया है। अब से मैं बिल्कुल भी बढ़ाइयाँ नहीं मारूंगा, मैं सुधर जाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको पता है कि कालू के पैर कैसे कटे थे तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर